चलो चांद के पार चलो, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसे सीरियसली लेते हुए इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो अब चांद के पार यानी चांद के शेडो रीजन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगी और इंडिया के इस प्रयास में साथ होगा जापान। क्यों इसरो का ये मिशन महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जापान को ही क्यों चुना जाएगा चांद वाला पार्टनर, आपको बताएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for Vikram lander has just been completed. ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को याद हैं, जब सालों की मेहनत के बाद इसरो का मिशन चंद्रयान 2 कामयाबी से सिर्फ कुछ ही कदम दूर रह गया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के पूरे मिशन स्टाफ से एक ही शब्द कहा था, आपका वक्त जरूर आएगा। And a velocity of near 3,640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase? अब लग रहा है जो मोदी ने कहा था उसे इसरो सच साबित करने की तरफ दोबारा बढ़ पड़ा है और इस बार कदम सिर्फ चांद पर नहीं बल्कि चांद के उस क्षेत्र पर पहुंचेंगे जो अब तक इंसान की पहुंच से दूर रहा है, यानी चांद का शेडो रीजन। चांद का ये शेडो रीजन क्या है ये समझने से पहले इसरो का प्लान समझ लीजिए। इसरो इस मिशन के लिए जापान की स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा की मदद लेगा। इस मिशन में चांद के शेडो रीजन की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी। अगर मिशन कामयाब होगा तो इसे आगे दूसरे ग्रहों की तरफ भी बढ़ाया जाएगा। दरअसल चांद का यह शेडो रीजन एक ऐसी जगह है जिस पर सूर्य की रोशनी कभी नहीं पड़ती। अगर इस सतह की स्टडी की जाए तो पता चल जाएगा कि सूर्य की रोशनी के बिना इन क्षेत्रों में क्या होता होगा और ये किस तरह से उन सतहों से अलग होगा जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है, जैसे धरती। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन है उन चारों ओर से मीटर। क्योंकि सूर्य की रोशनी चांद के शेडो रीजन तक नहीं पहुंचती, तो इस वजह से ये एक डार्क फ्रोजन एरिया जैसा हो सकता है और अगर ऐसा है तो इस किस्म की सतह पर मौजूद पानी या कोई और तत्व लंबे वक्त तक टिक सकता है। यानी चांद के इस शेडो के रीजन में वो रहस्य छिपे हैं जो इंसानी सभ्यता को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। चंद्रयान 2 की टीज अब भी इसरो के अंदर जिंदा होगी। अगर इसरो चांद के शेडो रीजन तक पहुंचने में कामयाब हुआ तो ये ना सिर्फ इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया की स्पेस पावर को भी बड़े मुकाम तक ले जाएगी। टी न्यूज़ नेशन।